बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। और आप जो भी छात्र पेपर हैकर से सबसे ज़्यादा दिल से प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, तो वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जितने व्यूज़ आ रहे हैं ना उतने लाइक आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूरी मेहनत से, समझ रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ जो पेपर में छप रहे हैं। और आपको सबको पता है कि जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वही पेपर में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। एग्जाम से दो दिन पहले देता हूँ, 70% का वादा करता हूँ, वही 90% 85% प्लस आता है। तो आप खुद जानते हैं कि केवल दो दिन पढ़कर आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों को शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए, पहला अब यहाँ बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, अभी हाल ही में होने वाला है। बस इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही पढ़ लो, काम हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यही पढ़ के जाना है आपको पेपर में, समझ रहे ना। और बाकी जो आपने पहले पढ़ा है मुझे उससे फ़र्क नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं ये भी मुझे फ़र्क नहीं है, लेकिन आज के बाद आप क्या पढ़ेंगे ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो बस यही पढ़ के जाना है और आप खुद देखेंगे कि जो आप याद करके जाएंगे वो टोटल फंसेगा पेपर में। तो देखो पहला क्या है, और एक बात याद रखना, किसी ने खूब कहा है कि सफल होने के लिए जेब में गांधी जी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना जरूरी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन पर आप टिक लगा लीजिए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है उसके लिमिटेशन को याद करेंगे, एलएस युग्मन को क्या होता है पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये आप देखा है सीएफटी जिसे हम क्रस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, ये क्वेश्चन, ये दो थ्योरी हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक थ्योरी और होगी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा जिसे हम एमओटी के नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीन थ्योरी में से दो थ्योरी हर साल पूछी जाती है, हर पेपर में आती है, कोई इसको हटा नहीं सकता, कोई यहां से निकाल नहीं सकता। बस इतना पढ़ के चले जाइए, 100% ही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन फंसती हैं और आप इसको टोटल करके आएंगे 6 से 7 नंबर पूरे पक्के बनते हैं, 14 नंबर यहीं से मिलेंगे, दोनों लॉन्ग में फंसेंगे। दूसरा क्वेश्चन कार्बन लिथविक बनाने की विधि पढ़ लेना, कार्बन धात्विक बनाने की, ठीक है। कार्बल्स क्या होते हैं ये पढ़ के जाएंगे, बस इतना पढ़ लेना, ये आपको लॉन्ग में फंसेंगे। यदि ये सब एक साथ फंसते हैं तो लॉन्ग में फंसेंगे, पर नहीं शॉर्ट शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। बात खत्म करो यहाँ से। अब उसके बाद में क्या पढ़ना है, क्यूरी ताप क्या होता है, निकल ताप क्या होता है, ये शॉर्ट में फंसेंगे, ये शॉर्ट में आपको याद करना है। देखो मैंने कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपसे पूछता है, सातवीं जमात में इसमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछ लेता है कि भैया ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। वो किस किस का पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, इन तीनों का पढ़ लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, तीन का पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो एक पढ़ लेना D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, शीतलीकरण क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे, बस काम हो गया। एक क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन फंसता है, याद करना। बाकी शीतलीकरण ये जो आप देख रहे हैं शॉर्ट में फंसेगा, ये होता है HSAB, जिसे हार्ड एंड सॉलिड एसिड एंड वेस बोलते हैं, ये लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, रट के जाइएगा, ठीक है। ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% आपका शॉर्ट में मिलने वाला है। शॉर्ट में सिलिकॉन के कितने प्रकार होते हैं, ये शॉर्ट में फंसेगा, क्वेश्चन याद करके जाइए, शॉर्ट में फंसने वाला है ये क्वेश्चन। आपसे पूछता है फेराइडे के विद्युत चुंबकीय प्रणक, देखो विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति का मापन किस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में फंसेगा, ठीक है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन की संरचना, ये आपका शॉर्ट में फंसेगा। ENA क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जिसे कहते हैं, इनकी सीमाएं, ये शॉर्ट में फंसने वाला है, पेपर शॉर्ट में छप रहा है, पूरा छप गया पेपर, लीक। NS1 और NS2 में अंतर, क्वेश्चन फंसेगा पूरा पेपर में, ठीक है। अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा को याद करके जाइए, अम्ल वर्षा को याद करके जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स, ये जब भी फंसेगा तो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में बनेगा। आल विटामिन्स का नाम पूछेगा, उनके स्रोत के बारे में पूछेगा, तो ये लॉन्ग में फंसेगा, पढ़ लो बेटा, याद रखना, पढ़ लो। आयोडीन, फास्फोरस, क्लोराइड और क्रोमोपेप, इन सबको पूछता है एक साथ, इनके बारे में, बैलो के बारे में पूछता है, तो ये लॉन्ग में फंसता है, वरना ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा, बस इतना पढ़ लो, काम खत्म। अब क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना होगा, डीडी संकरण क्या होता है, डीडी संकरण को पढ़ लेना, डीडी संकरण क्या होता है, ठीक है। और देखो एक मैंने संकरण आपको बता चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन SP2, SP1 और SP3, ये तीन प्रकार के, और SP3D1 इस तरीके से, D1P इस तरीके से आता है, 6 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में आपको 3 देखने को मिलेंगे, ओके। इसको आपको याद कर लेना है, और हो सके तो होल्ड का रोल और अपवाउ की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये आप
यदि आपके गैस पेपर में हो, बुक में हो, नोट्स में हो तो पढ़ लेना, ना हो तो छोड़ देना, बात खत्म। मैंने जो बोल दिया आपको याद रखना है, जो मैंने बोल दिया भाई, डी ब्रोगली तरंग समीकरण जो होती है, यदि आपके नोट्स में हो तो पढ़ लेना, ना हो तो छोड़ देना, लेकिन होगी पक्की तो उसको पढ़ के जरूर जाना है। एक बार पढ़ लेना, बना बना के लिखाना, काम हो जाएगा। और साथ ही साथ मैग्नीज के कार आपको पढ़ लेना कि जैविक तंत्र में मैग्नीज के क्या कार होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के क्या कार होते हैं, हमारे हमारे बॉडी में मैग्नीशियम के क्या कार हैं, वो आपको बता देना, बस इतना बना बना कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, यही पेपर में छपेगा, बस इसको रट लो, काफ़ी देना है, 3 से 4 दिन यही रटना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।